नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम् प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित बना दौलत राम जी द्वारा रचित लघु समय सार स्वरूप छेडाला नाम का ये महान ग्रंथ है। छेडाला की विषय वस्तु पर हमारी चर्चा चल रही है। कल उसमें हमने दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण के मूलभूत कारणों की चर्चा करते हुए ये चर्चा की थी कि इस संसार परिभ्रमण का एकमात्र मूल कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है, और इन तीनों को अगर एक नाम से कहा जाए तो अपने स्वरूप को भूलकर पर द्रव्यों में और पर भावों में अपनेपन की मान्यता अपनेपन का ज्ञान और अपनेपन रूप आचरण, इसका नाम मिथ्या चरित्र मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है। पंडित दौलत राम जी साहब ने छह डाला में जो ये बात कही बहुत विस्तार के साथ दूसरी डाल में बात कही उसी बात को उन्होंने दर्शन स्तुति में बहुत संक्षिप्त में भी कहा है। और क्या कहा उन्होंने, मैं भ्रम्यो अपनी को विसरे आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप निज को परि को करिता पिछान परि में अनिष्टता इष्ट ठान। आया कि नहीं आया, चार लाइनों में पूरी बात कह दी कि मैं भ्रम्यो मैंने परिभ्रमण किया। क्यों किया, अपन को विसरी आप स्वयं अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण। अब अपने स्वरूप को भूलने के कारण अगर मैंने परिभ्रमण किया तो मैंने किया क्या, कि अपनाए विधि फल पुण्य पाप, कि कर्म के फल में प्राप्त पुण्य पाप के फल में प्राप्त संयोगों को मैंने अपना माना है ना, और निज में निज की पर में और पर की निज में मैंने पहचान कर लू, पता ही नहीं है कुछ क्या है मेरा स्वरूप। इस तरह की बहुत सुंदर बात वहां पर उन्होंने कही। वो चर्चा अपने यहां कल चली जीव अजीव संबंध, जीव अजीव के संबंध में किस तरह अज्ञानी जीव भूल करता है ये चर्चा चली। उसके बाद पंडित जी साहब ने इसी छह डाला की दूसरी डाल के पांचवें छंद में बहुत बढ़िया बात कही अजीव तत्व के संबंध में और आश्रव तत्व के संबंध में अपन लोग क्या गलती करते हैं। तो वो बताते वो उन्होंने कहा कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। इसके दो टुकड़े करो, तन उपजत और तन नशत। माने ये जो तन माने शरीर है, ये शरीर कोई मूल द्रव्य नहीं है। क्या कहा, उपजत और विनसत। तो उपजना और विनसना ये पर्याय का स्वरूप होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, द्रव्य द्रव्य रूप से ना उत्पन्न होता है और ना द्रव्य का द्रव्य रूप से कभी नाश होता है। तो ये शरीर जो है ये एक द्रव्य नहीं है,
तो है क्या ये कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड, तो अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के इस शरीर की रचना रूप हुए, तो शरीर उत्पन्न हुआ। अज्ञानी जीव ने क्या माना, मैं उत्पन्न हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है ना। मनाते कि नहीं मनाते अपन लोग अपनी जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ मनाते ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही मनाएंगे, डेट ऑफ डेट तो मनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, वो तो दूसरे लोग मनाएंगे नहीं। जन्मदिन ही तो मना सकते हैं अपन, अपना मृत्यु दिन तो अपन मनाएंगे नहीं, कि वो तो दूसरे लोग मनाएंगे, मनाएंगे तो ना। लेकिन भाई साहब आप जरा ये विचार करो कि शरीर उत्पन्न हुआ, लेकिन ये शरीर जो आज अपने को, ये जो शरीर के रूप में जो पुद्गल परमाणु इस शरीर में इकट्ठे हैं, इन पुद्गल परमाणुओं का पुराना इतिहास क्या है, कहां कहां के पुद्गल परमाणु मिलकर के इस शरीर के रूप में उत्पन्न हुए हैं, ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है इनमें से कोई परमाणु कभी बिच्छू के डंग के रूप में रहा हो, कोई किस रूप में और कोई किस रूप में रहा हो, और ये शरीर नसक जिस समय आत्मा इस देह को छोड़ करके जाएगा और देह को परिवारीजन, रिश्तेदार, समाज के लोग है ना, उस अर्थी से बांधेंगे अच्छी तरह, बांध करके शमशान घाट में ले जाएंगे, ले जा करके जलती हुई आग उसे दिखा देंगे हाँ, और फिर खोपड़ी बची रहेगी तो जो बेटा है ना बेटा, तो वो उसकी कपाल क्रिया करेगा। और ये देह के जो परमाणु हैं, ये देह के परमाणु कोई धुआं बन करके, कोई राख बन करके, कोई किस तरह कहां उड़ जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। गुरुदेव श्री एक दोहा बोलते थे, रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, पछि नर्तन पामिश क्या चेत चेत नर चेत। ये जो तेरी देह के रजकण हैं, ये इस तरह भटकेंगे कि जैसे चलती हुई आंधी में रेत इधर से उधर उड़ती है। इसलिए हे जीव, देह की चिंता छोड़, और ये मनुष्य पना प्राप्त किया है तो इसमें आत्मा का हित प्राप्त कर ले, वरना अनंत काल में नरभव बाद में मिलना बहुत कठिन है। पछी नर्तन पामिश क्या चेत चेत नर चेत, ऐसा संबोधन वहां पर दिया अपने को। खैर, तन उपजत और तन नसत, कहिए उत्पन्न होना और विनाश होना, मान शरीर के रूप में ये पुद्गल परमाणु उत्पन्न हुए और शरीर के रूप में इनका नाश हो जाएगा। पुद्गल परमाणुओं का नाश नहीं होगा, ध्यान देना, पुद्गल परमाणु की एक अवस्था शरीर रूप हुई थी और पुद्गल परमाणुओं की वो शरीर रूप अवस्था का नाश हो गया और पुद्गल परमाणु अन्य अवस्था रूप परिणमित हो गए। ये तो पुद्गल का स्वभाव है, क्योंकि उसका नाम ही है पुद्गल। पुद्गल, पुद माने जुड़ना, गल माने बिछुड़ना, माने पूर्ण गलन तो उसका स्वभाव है। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति होने पर मैं उत्पन्न हुआ और उसके नाश होने से मेरा नाश हो जाएगा, ये हमने माना, तो हमने वास्तव में अपने को शरीर ही माना। अब देखो एक बात कि पुद्गल उत्पन्न होने की विनाश होने की चर्चा तो इसमें कर ली, अब इसके इसके बीच में जितनी घटनाएं शरीर में घटती हैं, शरीर मोटा हुआ तो मैं मोटा हो गया, शरीर पतला हुआ तो मैं पतला हो गया, वजन बढ़ा तो मेरा वजन बढ़ गया, वजन घटा तो मेरा वजन घट गया है ना, अंगुली कट गई तो मेरी अंगुली कट गई, आंख फूट गई तो मेरी आंख फूट गई, अरे है ना, सिर में परिणमन हुआ, कुछ भी किसी भी प्रकार का परिणमन हुआ तो मुझे सिर दर्द हुआ,
हार्ट का अटैक, मुझे हार्ट का अटैक हुआ। इस आत्मा को हार्ट है तो हार्ट का अटैक आत्मा को होगा। मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, आत्मा में ब्लड है। अरे जिसमें ब्लड है उसमें ब्लड का प्रेशर होता है। आत्मा में ब्लड नहीं तो आत्मा में ब्लड का प्रेशर कैसे? आत्मा में हार्ट नहीं तो आत्मा में हार्ट का अटैक कैसे? आत्मा को सिर नहीं तो आत्मा में सिर का दर्द, आत्मा को सिर का दर्द कैसा? आत्मा में घुटने नहीं, आजकल सबसे बड़ी बीमारी है ना घुटने, क्या करे साहब घुटने काम नहीं करते, हम तो बड़े हैरान और परेशान है। मैंने कहा घुटने काम, घुटने नहीं करते और हैरान परेशान तुम हो, ये कहां का न्याय है? उसको पुद्गल की रचना जाने। देखो भूमिका के अनुसार उचित विकल्प ज्ञानी को भी हो सकता है, लेकिन उसको पुद्गल की रचना जाने कि ये सब पुद्गल की रचना है और इनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, याते नहीं हमारो मेल, ये सब है पुद्गल को खेल। तो ये नहीं करता, ये हुई अजीव तत्व की भूल। उसके बाद एक बहुत बढ़िया बात आई कि आश्रव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है। आश्रव शुभाशुभ विकारी भावों का उत्पन्न होना, इसको बोलते हैं आश्रव, है ना। तो पंडित जी साहब ने लिखा रागादि, रागादि माने राग द्वेष और मोह, रागादि प्रकट ये दुख देन। ये रागादि भाव जीव को दुख देने वाले हैं, ये आश्रव तत्व का यथार्थ स्वरूप। यानी अगर जीव ये माने कि ये रागादि आत्मा को दुख देने वाले हैं, अगर जीव ये माने तो वो आश्रव तत्व का यथार्थ सद्धान है। लेकिन ऐसा नहीं मान करके क्या मानता है, तिन ही को सेवत गिनत चेन। रागादि भावों का जो दुख के कारण है उनका सेवन करते हुए अपने को चैन मानता है, सुखी मानता है। जिनवाणी कहती है राग से भेद करो, आत्मा को राग से भिन्न जानो। जैसे शरीर आत्मा से भिन्न है ऐसे ही राग भी आत्मा से भिन्न है। राग से आत्मा को भिन्न मानो। और अज्ञानी जीव आचा जिनवाणी कहती है राग से भेद करो, और अज्ञानी जीव राग में भेद करता है। हालांकि विनय पाठ में अपन लोग पूजा के टाइम पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, वीत राग भेटो अबे मेटो राग कुटेव। राग को कुटेव कहा। अब जरा सुनना पचाना, जिस समय भगवान के सामने ये बात बोल रहा है कि हे प्रभु मैं राग सहित जग में रुला और मुझे अब तक राग का पोषण करने वाले ही देव मिले, अब मैंने वीत राग जैसे वीत राग परमात्मा आपको प्राप्त किया है, आपसे मेरी भेंट हुई है, मेरी भावना है कि मेरी इस राग रूप कुटेव को आप मिटा दो। कौन से राग को कुटेव कहा यहां पे? अरे अशुभ राग तो कुटेव है ही, उसकी तो बात ही करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जिस समय भगवान के सामने ये बात बोल रहा है कि मेटो राग कुटेव, उस समय उस जीव को अशुभ राग है कि शुभ राग है, है ना। शुभ राग के लिए भी वो बोलता है, क्या बोलता है, तो मेटो राग कुटेव। और आगे पढ़ो छड़ाला में लिखा यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे। ये राग आग दहे सदा, कि ये राग है ना, ये राग आग है। कौन सा राग आग है, कौन सा राग आग है बोलो। अशुभ राग भी आग है और शुभ राग भी आग है। घने साहब शुभ राग तो आग नहीं है,
कि देखो आग में भेद मत करो, नीम के लकड़ी से जलने वाले हाथ और चंदन की लकड़ी से जलने वाले हाथ दोनों के फफोलों में क्या अंतर होता है बताना जरा बताओ। अरे नहीं साहब, मैं तो स्टैंडर्ड की आग से जला हूं, चंदन की आग से जला हूं। कि चंदन की आग से जलो चाहे नीम की आग से जलो, दोनों को बर्नोल एक ही जैसी लगाई जाती है। हाँ क्या नहीं है, तो फफोले एक ही जैसे होते हैं। राग है वो आग है, और जब तक देखो जहां शुभ राग को भी आग कहा जाता हो वहां अशुभ राग की तो बात ही क्या है। अशुभ राग तो आग हुआ ही। पूजा में बोलते अपन शुभ और अशुभ की ज्वाला से जुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणे फूटे संवर से जागे अंतर बल। क्या बोलते हैं, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। हे प्रभु, भगवान के सामने बोल रहे हैं ना, पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते समय भगवान के सामने ये बात बोल रहे हैं ना कि शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, है ना। क्योंकि भाई आग का स्वभाव जलाना है, अब वो आग चंदन की है कि आग नीम की है कि आग बबूल की है, माने ईंधन के भेद से आग में भेद मत करो। इसी तरह राग में अलग अलग परद्रव्य निमित्त होते हैं और उसकी अपेक्षा से तुम राग में भेद करते हो, कहते वो भेद मत करो। राग राग है, वो किसी के प्रति हो। जिनेंद्र परमात्मा, वीतराग परमात्मा राग को आग कहते हैं। अरे विश्व में एक ही तो दर्शन अपने को ऐसा मिला है कि जो दर्शन ये कहता है, जिसके देव शास्त्र और गुरु ये कहते हैं कि अरे हमारी ओर भी तेरा उपयोग जाएगा तो तेरे को राग उत्पन्न होगा, राग होगा तो तेरे को चैतन्य की गति नहीं होएगी, तेरी दुर्गति होएगी, अर्थात तू स्वर्ग में जाएगा। कि नहीं साहब, स्वर्ग में गए तो दुर्गति कैसे हुई, स्वर्ग में गए ना, तो वो तो उन पांडवों से पूछो, नकुल और सहदेव नाम के दो पांडव मुनिराज। एक जरा से विकल्प के कारण, और वो भी साधर्मी मुनिराजों के प्रति जरा विकल्प आया, ओ साधर्मी मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग। उस विकल्प के कारण उन मुनिराज को 33 सागर की आयु का बंद हो गया। क्या हो गया, कितनी आयु का बंद हो गया, 33 सागर। और स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, कितनी होती है उत्कृष्ट आयु, 33 सागर। इसका मतलब क्या हुआ समझते हो, इस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 33 सागर, और 33 सागर बटा 33 सागर की आयु का बंद हो गया माने आज जन्म कारावास हो गया। क्या हो गया, आज जन्म। के क्या बात करते हो, कारावास कैसे कह रहे हो, के कारावास नहीं तो क्या, यहां छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते थे, स्वर्ग में जाकर के चौथा गुणस्थान हो गया, प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, हैं? तो प्रमोशन और डिमोशन, तो डिमोशन प्रमोशन अच्छे कार्य करने से होता है, तो डिमोशन कैसे होता है मुझे बताने की जरूरत है ये भी। अरे भाई साहब, 33 सागर 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान से दूर हो गए कम से कम। मैं 33 सागर के बाद मुनिपना धारण करेंगे, मनुष्य पने में आएंगे ना, तो मनुष्य पने में 8 वर्ष तक तो मुनिपना धारण करने की योग्यता नहीं, 8 वर्ष तक तो मुनिपना धारण नहीं कर सकते। 8 वर्ष के अंदर अगर उन्होंने मुनिपना धारण किया, कदाचित अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान ले लिया, तो 33 सागर 8 वर्ष
और कम से कम एक अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान से दूर हो गए, और एक एक सागर के वर्ष निकालने की बात अगर मैं आपसे करूं तो आज का कंप्यूटर भी एक सागर में कितने वर्ष होते हैं वो निकाल नहीं सकता। 33 सागर का मतलब ये नहीं कि 33 दिन, 33 महीने, 33 वर्ष, 33 सागर। दूसरा एक पॉइंट बोलता हूं कि देखो भाई, यहां पर जब वे मुनिराज, पांडव मुनिराज थे, तब अहिंसा महाव्रत का पालन करते थे, सत्य महाव्रत का पालन करते थे, अचौर्य महाव्रत का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते थे, अपरिग्रह महाव्रत का पालन करते थे, करते थे ना, पंच महाव्रत का पालन करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। अब स्वर्ग में गए तो उनको महाव्रत बचे या अनुव्रत बचे या अव्रत आ गए, जरा सोचना, थोड़ा मन थोड़ा झटका भी लगे ना अगर एक बार, तो झटका सहन करना, क्योंकि ये झटका अगर लग गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा अपना। बोलो, स्वर्ग में कौन सा गुणस्थान होता है, कौन से गुणस्थान से आगे नहीं हो सकता, चौथा कि पांचवा? चौथा। चौथे गुणस्थान में अनुव्रत होते हैं कि महाव्रत होते हैं, हैं? कि चौथे गुणस्थान में न अनुव्रत होते हैं और न महाव्रत होते हैं। तो भाई साहब, इन शुभ भाव रूप महाव्रतों का फल अगर अव्रत आता हो, न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुभ भाव रूप महाव्रतों के पालन का फल अगर अव्रत आता है तो ये अच्छा फल आया कि बुरा फल आया, मुझे बता दो जरा। सोचना जरा, इस पॉइंट से सोचना। अरे इसीलिए प्रवचन सार की 79 नंबर की गाथा में अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने लिखा, क्या लिखा, कि हमने सर्व सावध योग का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप सामायिक की प्रतिज्ञा धारण की है, और यदि हम धूर्त अभिसारिका की भांति इस शुभ भाव से मिलन को प्राप्त हो, मन शुभ भाव के प्रेम में फंस जाएं, तो हमारे लिए महादुख संकट निकट है। ये शब्द का प्रयोग किया है, कौन से शब्द का प्रयोग किया, महादुख संकट निकट है। कौन कह रहे? अमृत चंद्र आचार्य भावलिंगी संत, छठे गुणस्थान में झूलने वाले, हालते चालते सिद्ध, वे मुनिराज कह रहे हैं कि महादुख संकट निकट है। तो हम कहे महाराज, महादुख संकट क्या है आपको? अरे आप तो स्वर्ग में नियम से वैमानिक में जाने वाले हो, और वैमानिक में भी कोई साधारण देव बनोगे, ऐसी बात नहीं है, ऊंची जाति के देव बनोगे, क्योंकि भावलिंगी संत हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की रत्न त्रय परिणति से विभूषित हो, और रत्न त्रय परिणति भी ऐसी कि तीन कसाय चौकड़ी का अभाव, इतनी वितरागता आपको वर्तती है, आपको दुख संकट निकट है। आप किसे कह रहे हो कि तुम कहते हो बात तो ठीक है, लेकिन जब हम यहां से जाएंगे ना, तो यहां पर हम तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की संयम दशा का आनंद लेते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के हम यहां सिद्धों से बातें करते हैं, लेकिन ये जो राग का विकल्प रह गया कि इस राग के विकल्प में हम यहां से स्वर्ग में जाएंगे, तो हमारे महाव्रतों की बात तो छोड़ो, हमारे अनुव्रत भी नहीं बचेंगे। क्या कहा, कौन कौन नहीं बचेंगे? अनुव्रत भी नहीं बचेंगे, हम यहां महाव्रती हैं और वहां अव्रती हो जाएंगे। यहां हमारे तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है और वहां तीन कसाय चौकड़ी का सद्भाव हो जाएगा। अरे इस थोड़े से राग के फल में हमें अव्रत दशा आ जावे, हमें तीन कसाय चौकड़ी के अभाव के जगह
तीन कसाय चोकड़ी का सद्भाव हो जावे, हम उस फल को अच्छा फल कैसे कह सकते हैं। आया? और सुनो, मैं आगम प्रमाण आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि घर से कोई बात नहीं, सब बातें आगम में लिखी। प्रवचन सार की छठी नंबर की गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव ने कहा, सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से और वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र हेय है और वीतराग चारित्र उपादेय है। और ध्यान देना, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र दो व्यक्तियों के पास अलग अलग होने वाले चारित्र नहीं है। मैंने ये दो चारित्र नहीं है, चारित्र का दो प्रकार से निरूपण है। एक ही व्यक्ति, एक ही ज्ञानी धर्मात्मा की भूमिका में जितनी वीतराग परिणति है, उस वीतराग परिणति को बोलते हैं वीतराग चारित्र। और उस वीतराग परिणति के साथ में जो राग की मंदता का परिणाम है, कषाय की मंदता का परिणाम है, उस कषाय की मंदता के परिणाम पर वीतराग परिणति का उपचार करके उस कषाय की मंदता को चारित्र कहना, उसका नाम है सराग चारित्र। आ गया? खरेखर वास्तव में अचारित्र भाव में चारित्र के उपचार का नाम व्यवहार चारित्र अथवा सराग चारित्र है। राग कभी चारित्र नहीं होता। क्या कहा? सुनना जरा, राग कभी चारित्र नहीं होता। चारित्र की विकृति का नाम राग है। चारित्र में जितना दोष बचा उस दोष का नाम राग है। लेकिन उस दोष को भी गुण रूप से कहने की पद्धति क्यों है कि कसाय की मंदता रूप उस चारित्र में अशुभ भाव रूप महादोष तला है। एक तो ये कारण है। दूसरी, अंतरंग में वीतराग परिणति रूप चारित्र उनको विद्यमान है। तो वीतराग परिणति रूप जो चारित्र विद्यमान है उसका उपचार उस राग पर करके उस राग को चारित्र कहने में आता है। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं सराग चारित्र का फल अनिष्ट है। अनिष्ट है माने हम देवगति में चले जाएंगे उससे। और वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है। इष्ट माने जो हमें प्रिय है। क्या प्रिय हमें? का हमें मुक्ति प्रिय है, हमें स्वर्ग प्रिय नहीं है। स्वर्ग में जाना वो ज्ञानी का गौरव नहीं है। समझा? ज्ञानी स्वर्ग में जाने को अपना गौरव नहीं मानते। ज्ञानी स्वर्ग में जाने को अपनी कमजोरी मानते हैं कि ये मेरी कमजोरी रही कि मैं अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाया और उसके फल में मुझे स्वर्ग में आना पड़ा। मेरी साधना की कमी रह गई कि इस कमी का फल स्वर्ग है। अगर कमी नहीं रही होती तो मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हुई होती। आगे बात समझ में? इसलिए भाई ये नक्की करो कि राग आदि प्रगट ये दुख देन, कि राग आदि भाव प्रगट रूप से दुख के देने वाले हैं। राग आदि कहकर के राग द्वेष मोह सबको समेटा है। और राग आदि कहा तो उसमें राग में भेद नहीं करना, सब राग दुख का ही कारण है ना। और गलती क्या करता है अज्ञानी कि तिन ही को सेवत गिनत चेन, कि भूमिका में राग होना और राग में आनंद मानना, राग को सेवन करते हुए उसमें मजा मानना। देखो, राग होना मजबूरी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। भूमिका में वीतरागता नहीं होगी, पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तो पूर्ण वीतरागता के अभाव में राग अवश्यंभावी है। और ज्ञानियों की भूमिका में भी वो राग होता है, भूमिका के योग्य। लेकिन जिसने राग को उपादेय माना उसको तो अनंतानुबंधी का राग होता है। आ गया? ज्ञानी को राग होता है
लेकिन राग में उपादेय बुद्धि नहीं होती। तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब राग में उपादेय बुद्धि, मैंने हम राग को हे भी माने और राग करते भी जाए तो ये तो मायाचारी हुई। हम राग भी कर रहे हैं, राग को हे भी मांग रहे हैं। मैंने ऐसी मायाचारी तो आप बहुत जगह करते हो। अरे भाई मायाचारी नहीं है ये। देखो तो राग को हे मानना ये श्रद्धा का परिणमन है, ज्ञान का परिणमन है, और परिणति में राग का होना ये चारित्र गुण का परिणमन है। अलग अलग गुणों के अलग अलग कार्य है। नहीं नहीं, हम तो राग होगा तब तक राग को उपादेय मानेंगे, कि जब तक तुम राग को उपादेय मानोगे राग का अभाव ही नहीं होगा। और राग को हे मानते ही तुरंत राग का अभाव होगा ऐसा भी नहीं है। दो बातें ध्यान से सुनना, राग को उपादेय माना तो राग का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि राग को उपादेय मानना मिथ्या दर्शन है और राग का होना चारित्र मोह का दोष है। मिथ्या दर्शन के अभाव हे राग को हे मानने पर भी जो राग हो जाता है वो चारित्र मोह का दोष है। और ये होता है, अपन लोग अपनी हड्डी टूट गई हो, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और हड्डी टूट गई, तो अपन लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल को उपादेय मानते कि नहीं मानते। बढ़िया है यार, घर से बढ़िया सुविधा है, यहां तो घर से ज्यादा सुविधा है, घर में तो पानी भी अपने को उठ करके पीना पड़ता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां तो कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई डॉक्टर साहब मैं तो यही रहूंगा आजीवन, ऐसा सोचते हैं अपन लोग। कि डॉक्टर से पहला प्रश्न हमारा क्या होता है, डॉक्टर साहब मुझे यहां कितने दिन रहना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द बोलते हैं, कितने दिन रहना पड़ेगा, माने कहने का मतलब क्या, कि हम उस हॉस्पिटल में रहते हुए भी हॉस्पिटल में रहने को अच्छा नहीं मानते, और हॉस्पिटल में रहने को अच्छा नहीं मानने पर भी हड्डी टूट गई है, प्लास्टर बंधा है, हॉस्पिटल में रहते हैं, रहते हैं लेकिन रहने को अच्छा नहीं मानते, वो हमें मायाचारी नहीं दिखती। दूसरी बात कि एक और प्रश्न ये उठाया जाता है कि साहब भगवान हम शुभ राग को भी हे कहेंगे तो फिर लोग पाप में चले जाएंगे। मैंने कहा जब शुभ राग को हे कहा तो पाप को तो उपादेय नहीं कहा हमने, और जब पाप को हमने हे कहा तो तुमने पाप कितना छोड़ दिया जरा बताना भाई। भूमिका के अनुसार अशुभ राग भी होगा, भूमिका के अनुसार शुभ राग भी होगा। ज्ञानी धर्मात्मा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक मुनिराज को तो अशुभ भाव नहीं होता, उनकी भूमिका में तो शुद्ध भाव और शुभ भाव ही होता है, लेकिन चौथे और पांचवें गुणस्थान में अशुभ राग भी होता है। क्या वे अशुभ राग को उपादेय मानते? उपादेय नहीं मानने पर भी होता है, इसी तरह वो शुभ राग को भी उपादेय नहीं मानते फिर भी शुभ राग होता है। और दूसरी बात, हम अशुभ राग को तो हे ही मानते हैं ना, चलो शुभ राग की बात बाद में करेंगे, हम अशुभ राग को तो हे ही मानते हैं ना, तो अशुभ राग को हे ही मानने पर हमारी भूमिका में कितना अशुभ राग छूट गया। और ध्यान देना, जिस दिन हमारी भूमिका से शुभ राग भी छूट जाएगा, शुभ राग भी छूट जाएगा, उस दिन हम वीतराग होंगे। कोई भी जिनवाणी पाप में जाने का उपदेश देगी ये तो सोचना ही नहीं। अरे जहां शुभ राग को भी अंगारा कहा जाता हो वहां अशुभ राग की तो बात ही क्या करना है। अशुभ राग तो हलाहल विष है ना, ये बात इसमें कही। उसके बाद आगे आए पंडित जी और उन्होंने बंद तत्व और संवर तत्व के संबंध में बहुत मार्मिक बात कही कि शुभ अशुभ बंध के फल मचारे रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान
ते लखे आपको कष्ट दान। बंद तत्व के बारे में क्या गड़बड़ करता है कि शुभ अशुभ बंद के फल, ये मजार बाद में लेंगे कि शुभ और अशुभ ये काय के फल हैं कि ये बंद के फल हैं। लौकिक अनुकूलता मिली, निरोग शरीर मिला, धन संपत्ति मिली, आज्ञाकारी बेटे मिले, समाज में प्रभुत्व मिला, है ना, ये सब शुभ बंद का फल है। और इसके विपरीत कलहकारी घर मिला, समाज में इज्जत नहीं मिली, लौकिक अनुकूलता नहीं है, व्यापार ढंग से चलता नहीं है, कि ये पाप का फल है, अशुभ का फल है। ये दोनों काय के फल है, शुभ अशुभ बंद के फल। अब इसमें क्या करता है कि इनमें मजार रति अरति करे, मतलब शुभ बंद के फल में रति करता है और अशुभ बंद के फल में अरति करता है। कि ये क्यों करता है भाई साहब, कि निज पद विसार, कि अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलने के कारण। अगर अपनी आत्मा का स्वरूप इसको ख्याल में आ जावे कि भाई मेरा स्वभाव तो जानना है, पुण्य का फल आवे, शुभ बंद का फल आवे तो मैं उसका जानने वाला हूं, अशुभ बंद का फल आवे तो मैं उसका जानने वाला हूं। कोई भी पौद्गलिक संयोग अच्छे और बुरे होते ही नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल होते ही नहीं। हम लोग अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से उनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का भ्रम पालन करते हैं। सच में कौन सा पदार्थ अनुकूल और कौन सा पदार्थ प्रतिकूल है बताओ जरा, बताओ। जहर अनुकूल है कि प्रतिकूल है बताओ जरा। चलो मैं यहां से शुरू करता हूं, जहर अनुकूल है कि प्रतिकूल है, पिड़ाओ में उत्तर नहीं आते, बोलो अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अच्छा, मंदिर में तो ये उत्तर देना पड़ेगा, सारी दुनिया अरे कैसे जहर भी अनुकूल, अरे जहर भी अनुकूल, तुम अनुकूल अनुकूल की, जिसको सांप काट खाए ना भाई साहब, उसको जहर के इंजेक्शन लगते हैं तब बचता है वो। देखो एक घटना अनुकूल प्रतिकूलता के संबंध में आती है। एक राजा अज्ञानी और उसका मंत्री तत्वज्ञानी, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, कोई बात नहीं। अब उस राजा को वन भ्रमण का शौक था, वन में घूमने जाना, शाम पड़ी और घर से निकल पड़े कि चलो आज वन में सैर करने चलेंगे। और जब भी वो राजा वन में घूमने के लिए जावे तो अपने मंत्री को साथ में लेकर के जरूर जावे। अब चलते 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 वन जंगल में गए, इतने में राजा को अंधेरा हो गया, पता नहीं कोई चीज राजा के हाथ में लगी और उसकी अंगुली यहां से कट गई, अंगुली कट गई। मंत्री से कहा राजा ने कि भैया मंत्री जी हमारी तो अंगुली कट गई। तो मंत्री कहा ठीक है साहब, कट गई अंगुली, कट गई तो अंगुली कट, आत्मा तो जानने वाला है। राजा को गुस्सा आया कि मेरी अंगुली कट गई, ये आत्मा जानने वाला क्या, चलो डालो इसको जेल में, जेल में डाल दिया। अब राजा की तो आदत घूमने जाने की, तो वो घूमने गया। अब घूमने गया तो वहां पर कुछ लोगों का यज्ञ चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ चल रहा था तो उसमें एक मनुष्य की बलि देनी थी। तो उनके लोग, राजा रास्ता भटकते भटकते कहीं दूर निकल गए और उनके लोगों ने पकड़ करके उस राजा को वहां पर ले गए जहां बलि देनी थी, क्योंकि राजसी कपड़े तो पहन नहीं रखे थे, जानते नहीं कौन है, ले गए पकड़ के। अब जब उनके बलि देने वाले ने नेला धुला करके उस राजा को उस वेदी पर खड़ा किया भाई साहब, और उस बलि देने वाले ने तलवार उठाई और एकदम उसकी नजर पड़ी उसकी अंगुली पर, राजा की हाथ की अंगुली पर, और अंगुली जब कटी हुई देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस आदमी की बलि नहीं हो सकती,
क्यों? क्योंकि इसकी अंगुली कटी हुई है। अभी क्या हुआ कि जो राजा अंगुली कटने को बुरा समझता था वो समझने लगा कि वाह गजब हो गया, आज मेरी अंगुली कटने की वजह से गर्दन कटने से बच गई। लगता है मेरा मंत्री बहुत दिव्य ज्ञानी है, इसलिए उसने कहा था महाराज कोई बात, गजब हो गया, मैंने ऐसे दिव्य ज्ञानी मंत्री को जेल में डाल दिया। सीधे अपने राज्य में गया और मंत्री के पास गया कि मंत्री जी मुझे क्षमा करें। क्या हुआ महाराज? राजा ने सारी घटना बताई और मैंने आपका अपराध किया, मैंने आपको जेल में डाल दिया। कि महाराज कोई बात नहीं। कि क्या मंत्री तुम किस मिट्टी के बने हो? कि महाराज सुनो, अगर मैं जेल में नहीं होता आज तो नियम से आपके साथ होता, और आपकी अंगुली कटी है मेरी थोड़ी कटी है, तो आज मेरी गर्दन कटती कि नहीं कटती, है ना? इसलिए ये सब संयोग है, इसमें कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। जेल में रहना अनुकूल नहीं, अंगुली का कटना प्रतिकूल नहीं, ये सब अपन लोगों के भ्रम की कल्पनाएं मात्र हैं। समझ में आ गया? ये यहां पर इन्होंने पंडित जी ने कहा कि अपने पद को भूल जाए, क्योंकि अपना पद तो जानना देखना है ना, तो आत्मा तो जानने देखने वाला है, जो संयोग आवे उसका जानने देखने वाला है। अनुकूलता आई तो जान लिया, प्रतिकूलता आई तो जान लिया। क्यों? क्योंकि अनुकूलता आई और प्रतिकूलता आई, उसमें तेरे हाथ में क्या है? न तू अनुकूलता को ला सकता है और न तू प्रतिकूलता को भगा सकता है। अनुकूलता का आना और प्रतिकूलता का आना ये सब पुण्य पाप के नाटक हैं। नाटक को नाटक के रूप में जानो और जानो कि ये नाटक माने नहीं टिकने वाले हैं। नाटक तक माने टिकने वाले, ना माने नहीं, कि ये तो नहीं टिकने वाली चीजें हैं। आज अनुकूलता का ढेर है, कल प्रतिकूलता होने में टाइम नहीं लगेगी, और आज प्रतिकूलता है कल अनुकूलता होने में टाइम नहीं लगेगी। अरे पुण्य पाप का चक्र फिरता है, संयोगों की परिस्थितियां बदलती है, इसमें आत्मा का क्या है? प्रतिकूल संयोग आत्मा को पीड़ित नहीं करते और अनुकूल संयोग आत्मा को पोषित नहीं करते। अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में अपनापन करके आत्मा अपना ही अहित करता है। एक उसके बाद अगली बात आई कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित का कारण क्या है? आत्मा के हित का कारण ज्ञान और वैराग्य, माने आत्मज्ञान यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, इसको बोलेंगे आत्मज्ञान। और विराग माने सम्यक चारित्र, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति, आत्मज्ञान सहित का वैराग्य और वैराग्य सहित का आत्मज्ञान, के आत्मा का हित करने वाले हैं। क्या वजह है? हमारे भावलिंगी संतों के चरणों में इंद्रों के मस्तक झुकते हैं, चक्रवर्तियों के मस्तक झुकते हैं, है ना? कौन ऐसा पुरुष है जो उन वीतरागी संतों के चरणों में अपना मस्तक धरकर अपने को धन्य अनुभव नहीं करता? विचार करो जरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं, क्योंकि वो मुनिराजों को भी, आत्मज्ञानी और वैरागी संतों को भी संयोग की नजर से देखते हैं। तो अज्ञानी लोग क्या कल्पना करते हैं? अरे मुनिराज वन जंगल में एकाकी कैसे रहते होंगे, अपन लोग तो इतनी सर्दी में इतने कपड़े पहन करके भी ठिठुर रहे हैं, मुनिराज इतनी सर्दी में वन जंगल में अकेले निर्वस्त्र कैसे रहते होंगे, बेचारे मुनिराज बड़े कष्ट में हैं। आचार्य कहते हैं जो मुनिराज को बेचारा समझता है वो बेचारा खुद है। अरे मुनिराज तो आत्मज्ञान और वैराग्य से संयुक्त है ना, तो आत्मा का हित तो ज्ञान और वैराग्य है। वे तो प्रतिक्षण मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं, वे तो प्रतिक्षण अतिंद्रिय आनंद की लहर में मौज कर रहे हैं, और तुमको वे बेचारे लगते हैं
तुमको वे कष्ट में लगते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा कष्ट आने वाला है यह हम नहीं समझ सकते ना? ते लखे आपको कष्टदान, आत्मा का ज्ञान और वैराग्य ये सुखदायक होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें दुखदायक मानता है। चारित्र की दशा आनंद देती है कि दुख देती है, बताना जरा। चारित्र की स्वर्णति का नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित। जो चारित्र की वीतराग परिणति है, तो वीतराग परिणति किस मतलब क्या है, आत्मा को आनंद देने वाली है कि दुख देने वाली है वो? अरे भाई, आत्मा की वीतराग परिणति अगर आत्मा को दुख का कारण हो तो फिर सुख का कारण कौन होगा, है ना? है? हमारे तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा तो महा आनंद में है, लेकिन उन महान आनंद के धारी परमात्मा के पंथ में विचरण करने वाले सद दर्शन ज्ञान चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, कैसे होते हैं वे? तीन तीन कसाय चौकड़ी का जिनकी भूमिका में अभाव हुआ। अरे राजा सैनिक जैसे जीव ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तीन दिन तक वो सर्प गले में पड़ा रहा, सैकड़ों चींटियों ने शरीर में अपना घर बना लिया, शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन मुनिराज के अतिंद्रिय आनंद की धारा को तोड़ नहीं पाए। और जिस समय रानी चेलना ने सैनिक राजा के साथ आकर के, अभय कुमार के साथ आकर के मुनिराज का वो उपसर्ग दूर किया, और जब मुनिराज का ध्यान टूटा, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, समान जाति से समान प्रकार से उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, मुनिराज की इस वीतराग परिणति को देखकर राजा सैनिक वहां सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। विचार करोगे, आनंद में है, पापी लोग मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे हैं, और मुनिराज आत्मा की उग्र ध्यान धारा में चले जाते हैं, उपसर्ग हो रहा है और अंदर से केवल ज्ञान लेकर के आते हैं। बोलो, आप उन मुनिराज को, उन संतों को बेचारा कह सकता है, उनको कोई दुखी कह सकता है? अरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी दुखी नहीं है, जैनी है वो दुखी नहीं होता, और जो दुखी होता है वो जैनी नहीं होता। तो मुनिराज तो महाजैनी है, सम्यक दृष्टि से और श्रावक से भी उनकी दशा तो ऊंची होती है ना? तो वे कष्ट में नहीं हो सकते, उनको कष्ट नहीं हो सकता, अतिंद्रिय आनंद के पान पीते हैं। कड़कती दोपहरी हो, सारी दुनिया कह रही है ओहो ऐसी धूप, शरीर को सुलगाने वाली धूप, लेकिन उन भावलिंगी संतों को पूछो कि प्रभु ऐसी धूप में आपको कष्ट नहीं होता? वे संत कहते हैं तुम किसे देख करके कहते हो कि कष्ट नहीं होता? अरे जिसे देख करके तुम कहते हो कष्ट नहीं होता, वो तो हम हैं ही नहीं, ये शरीर है, वो तो शरीर है, हम तो आत्मा की निर्मल परिणति में शांति के हिमालय में इस समय भी विराजमान है। बोलो, और हम क्या मानते? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, और हम उसको मानते हैं कष्टदान। भाई साहब, लोहे के दांत लोहे के चने चबाने जैसा है, इस तरह की बातें करके हम वास्तव में संवर तत्व के स्वरूप को भूल जाते हैं। संवर तत्व जिनके अंतरंग में प्रकट हुआ हो, आश्रव का जिनकी भूमिका में अभाव हुआ हो, वहां सुख के फव्वारे फूटते हैं। आया, लोक में भी होता है ऐसा। अपना बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, ध्यान से सुनना जरा,
बहुत तेज सिर दर्द हो और उसी समय अपने को खबर मिले कि साहब वो जो गोदाम था आपका उस गोदाम में आग लग गई है और हमें ये पता लगे कि उस गोदाम का बीमा परसों खत्म हो गया था और बीमा वाला नहीं आया तो बीमा नहीं हो सका। अभी सिर दर्द कहां जाएगा बताना जरा मुझे है? अरे जब एक गोदाम जिसके बीमे की राशि नहीं मिलेगी तो जितना बचाया जा सकता है उतना बचाएं, केवल उपयोग के इतने परिवर्तन से सिर दर्द गायब हो जाता है, उधर लक्ष्य ही नहीं जाता है ना। तो इन ज्ञानी धर्मात्माओं को, इन वीतरागी संतों को तो शरीर में कैसा भी उपसर्ग हो रहा हो, स्यालनी सिर शरीर को खा रही हो, बागिन सर को शरीर को खा रही हो, लेकिन इन संतों का उपयोग वहां से हट करके उस चैतन्य की गुफा में चला जाता है कि जहां पर दुख और क्लेश का प्रवेश ही नहीं है, है ना। और उधर शालिनी शरीर को खा रही है और उधर उनके मोक्ष की तैयारी हो रही है। पढ़ो तो कहानियां पढ़ो तो सही, गस्सू कुमार मुनिराज के ऊपर उनके ससुर होने वाले, शादी नहीं हुई तो ससुर का, लेकिन जिस लड़की से शादी होनी थी और वो मुनि बन गए थे तो उनके ससुर ने उनको ध्यान करते हुए देखा, उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल बांध करके उनके मस्तक पर अग्नि सुलगा दी। दुनिया देखती है कितना कष्ट है इन संत को और मुनिराज सोचते हैं कि हमें ये मोक्ष की पगड़ी किसने पहनाई। सोचो तो जरा, अपने यहां नहीं होता पगड़ी का दस्तूर होता है कि नहीं, कि ये मोक्ष की पगड़ी क्या मतलब। अरे उपसर्ग और परिसर साधकों की साधना की कसौटी हुआ करते हैं, जहां उपसर्ग और परिसर यानी प्रतिकूलता अज्ञानी को कसाय बढ़ाने में निमित्त होती है, वहीं प्रतिकूलता जिसे हम दुनिया प्रतिकूलता कहती है, जिसे दुनिया उपसर्ग और परिसर कहती है, वो ज्ञानी की स्वरूप साधना की उग्रता में निमित्त बनते हैं। ज्ञानी जोर से अपने स्वरूप का आश्रय लेते हैं, उग्रता से अपने स्वरूप का आश्रय लेते हैं और स्वरूप का आश्रय लेते हैं तो स्वरूप में जो होता है वो प्रकट होता है। और क्या होता है वो, केवल ज्ञान प्रकट होता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट के जीव ने पत्थर बरसाए, अनेक प्रकार के उपसर्ग किए, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ, मुनिराज पार्श्वनाथ आत्म ध्यान की उस श्रेणी में चले गए कि जहां से केवल ज्ञान लेकर के आए। गजब बात तो यह कि इधर पर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ और उधर वो उपसर्ग करने वाला जीव उनके समोसरण में आया और भगवान की धर्म देशना सुनकर के उस जीव ने उन्हीं भगवान के समोसरण में सम्य दर्शन पाया। सोचो जरा, ये तो कमाल है। ऐसी दशा को हम ये कहें कि वो दुखदायक है, कष्टदायक है, तो सच में हम अपने लिए अनंत कष्टों को आमंत्रण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी वीतराग दशा को, ऐसी वीतराग परिणति को, ऐसी वीतराग परिणति धारक संतों को दुख में दुखी देखना ये संवर तत्व की भूल है। संवर तत्व की भूल माने मिथ्या दर्शन का महापाप है, जिसके फल में अनंत काल तक के लिए अनंत कष्टों का हमारे जीवन में पदार्पण होता है। इसलिए इस तरह की परिणति माने इस तरह की मान्यता का हम त्याग करें, संवर तत्व का सही स्वरूप पहचान कर उसको कष्ट का कारण ना माने। ये बात अब इसके बाद आगे आएगी कि रोके न चाह निज शक्ति खोए, बस ये दो पूरी करता हूं। रोके न चाह, न चाह माने चाह माने इच्छा का नहीं होना, इसका नाम निर्जरा है, इच्छा का अभाव माने अनिच्छुक स्वभाव में वीतराग परिणति होना, इसका नाम इच्छा निरोधस तप है। लेकिन
रोके न चाह निज शक्ति खोए। यहां भी देखो, वहां कहा था निज पद विसार, यहां कहा निज शक्ति खोए, उन्हें अपनी शक्ति को भूलकर इच्छाओं को नहीं रोकता। क्यों इच्छाएं क्यों पैदा होती है? कि अपने आप को हम अपूर्ण मानते हैं इसलिए इच्छाएं होती है। अगर हम माने अरे मैं तो परिपूर्ण शुद्धात्मा हूं, मुझमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद कहा शिव रूप निराकुलता। तो मोक्ष कैसा है? तो मोक्ष निराकुल स्वरूप है, वहां आकुलता है ही नहीं। लेकिन मोक्ष में निराकुल स्वरूप नहीं मानना और ये मानना कि भैया वहां पर तो शरीर भी नहीं है, वहां पर तो खाने पीने की चीजें नहीं है, वहां पर तो देखने के लिए टेलीविजन नहीं है, वहां तो बात करने के लिए मोबाइल नहीं है, है ना, वहां पर तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, है ना, वहां तो व्हाट्सएप नहीं है, वहां तो इंटरनेट नहीं है, ईमेल नहीं है, जीमेल नहीं है। इसके बिना हम मोक्ष में कैसे सुखी होंगे? इस तरह मोक्ष के निराकुल सुख की पहचान नहीं करने वाला अज्ञानी मोक्ष तत्व के स्वरूप के संबंध में भूल करता है। और यही मैंने इस तरह सात तत्वों की मिथ्या प्रतीति युक्त जितना भी ज्ञान होता है, चाहे वो ज्ञान अधिक से अधिक 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, इससे अधिक तो मिथ्या दृष्टि को हो नहीं सकता। पंडित जी कहते हैं सो दुखदायक अज्ञान जान, और इसकी विस्तार से चर्चा अपन और आगे करेंगे। हालांकि अभी मिथ्या दर्शन के पॉइंट पर भी मुझे बहुत चर्चा करनी है कि 5 पापों से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व क्यों है, और मिथ्यात्व के गए बिना हमारे जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव कैसे नहीं हो सकता। इन सबकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में और करेंगे।